तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज महिला आरक्षण के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रही हैं, जिसे करीब डेढ़ दर्जन राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है। विपक्ष के कई दल इस धरने में शामिल भी हो रहे हैं और इससे पहले कल कविता ने केंद्र सरकार को दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में ईडी के समन को लेकर निशाने पर लिया। के कविता ने कहा कि तेलंगाना के चुनाव के चलते ये कार्रवाई हो रही है, जहां चुनाव होते हैं वहीं ईडी पहुंच जाती है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में के कविता का नाम भी आ रहा है। '27 के बाद भी हम अभी सिर्फ चर्चा ही कर रहे हैं। पहले तो 1996 में एक बार राज्यसभा में पास हुआ, फिर वो लैप्स हो गया। 1998, 1999, 2008 रिपीटेडली विमेन्स रिजर्वेशन बिल को लाने का कोशिश हुआ है, लगातार अलग अलग सरकारों ने किया है। उन सब सरकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, स्पेशली मैडम सोनिया गांधी हु वॉज वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग द बिल इन राज्यसभा। फ्रॉम ऑल द वुमेन अक्रॉस द नेशन आई रियली सल्यूट हर करेज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी का ये बयान सिर्फ बयान है या फिर एक इशारा कि पार्टी चाहती है कि कांग्रेस उनके साथ आए। हालांकि कविता ने ये भी कहा कि कांग्रेस को साथ आने के लिए उसे अपना अहंकार छोड़ना होगा। देश भर के 4000 विधायकों में से बस 600 उसके पास हैं। आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टीज इंटरेस्ट। दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस के अलावा सभी 18 विपक्षी दलों के प्रतिनिधि केसीआर की बेटी और बीआरएस नेता कविता के महिला आरक्षण बिल की मांग में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अकाली दल, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी, शिवसेना उद्धव ठाकरे, जेएमएम, आप और कुछ निर्दलीय सांसदों के साथ साथ 29 राज्यों की महिलाओं के संगठन शामिल होंगे। वैसे कविता अब ईडी के सामने 11 मार्च को पेश होंगी। माना जा रहा है कि उनसे हैदराबाद के कारोबारी रामचंद्र पिल्लई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। ईडी ने पिल्लई को सोमवार को गिरफ्तार किया था। ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत कविता का बयान दर्ज करेगी। ईडी के पास पिल्लई की हिरासत 12 मार्च तक है। 13 मार्च को उन्हें फिर से दिल्ली की अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा। कविता का आरोप है कि मोदी सरकार जानबूझकर विपक्ष को टारगेट कर रहा है। हमने गलती नहीं की, हम तो आ रहे ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्स है लीगल एक्शन है, हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन डीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावा करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे हैं, इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे कि जिस दिन आप सत्ता में नहीं होंगे, आपने इन संस्थाओं का चरित्र इतना गदला कर दिया है कि कल को आप भी जद में आएंगे, हमें तब भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम उस मिजाज के नहीं है। लेकिन ब्लेम तो आपको लेना होगा कि आपने क्या कर दिया इन संस्थाओं। उधर बीजेपी का कहना है कि शायद पहली बार है कि जब भ्रष्टाचार को लेकर विपक्षी दल आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन हम ये पहली बार देख रहे हैं, करप्शन के खिलाफ क्रांति तो हमने बहुत देखी है, करप्शन के पक्ष में क्रांति हम पहली बार देख रहे हैं। और करप्शन के क्रांतिकारियों और घोटाले के गुरु घंटालों में जो तालमेल हो रहा है, ये तालमेल नहीं है बल्कि घोटालों का घालमेल है। सरकार को छोड़कर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो विपक्ष की एकता की बात जरूर करते हैं, लेकिन चाहते हैं कि उस दल का नेतृत्व वो ही करें। अब बीआरएस पार्टी की सांसद कविता ने विमेन रिजर्वेशन बिल का मुद्दा एक बार फिर उठाया है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि क्या उनके राज्य में महिलाओं को उपयुक्त नुमाइंदगी दी गई है या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन राकेश सिंह के साथ नीता शर्मा, इंडी टीवी इंडिया के लिए।